यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज़म मीन्स एन ऑर्गेनिज़म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर कंसिस्ट होता हो या एक सेल से बना हुआ हो उसे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं तो हैबिटेट अब हम देख लेते हैं अमीबा का हैबिटेट क्या होता है हैबिटेट मींस रहने की जगह कि अमीबा कहाँ पाया जाता है इट इज़ फाउंड इन स्टैग्नेंट पूल एंड पॉन्ड्स स्टैग्नेंट पूल्स मींस ऐसा पूल या पॉन्ड यानी कि ऐसा पानी जो फ़्लो नहीं करता जो एक जगह ठहरा रहता है ठीक है जी तो अमीबा इस तरह के पूल्स और पॉन्ड्स में रहता है साइज इट इज़ माइक्रोस्कोपिक इन साइज मेजरिंग अबाउट ज़ीरो पॉइंट टू मिलीमीटर। अमीबा का साइज़ इतना छोटा होता है कि इसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है और ये ज़ीरो पॉइंट टू मिलीमीटर साइज़ का होता है शेप इट डज़ नॉट प्रसैस आ परमानेंट शेप एंड कीप्स ऑन चेंजिंग इट अमीबा जो है उसकी कोई परमानेंट शेप नहीं होती इसकी जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है वो क्यों होती है क्योंकि अमीबा में फिंगर लाइट प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं ये जो होती हैं ये जब मूव करती रहती हैं तो क्या होती हैं शेप इनकी चेंज होती रहती है तो अमीबा की कोई भी परमिनेंट शेप नहीं होती स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ़ अमीबा इज़ वेरी सिंपल इट कंसिस्ट ऑफ़ फॉलोइंग पार्ट्स अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है और ये जो है कुछ पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है वो कौन से पार्ट्स हैं वो हैं सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन द साइटोप्लाज्म इज़ सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म होता है वो सराउंड होता है या कवर होता है एक मेम्ब्रेन से जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं फंक्शन इट प्रोटेक्ट्स द साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये होता है कि ये साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज़ वेरी क्लियर एंड इस डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स साइटोप्लाज्म जो होता है बहुत क्लियर होता है और डिफ्रेंशियट होता है दो पार्ट्स में वो इतना क्लियर होता है कि हम उसके आर पार भी देख सकते हैं ये जो साइटोप्लाज्म है अमीबा का ये डिफ्रेंश होता है दो पार्ट्स में एक एक्टोप्लाज्म एंड सेकेंड एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म इज़ द आउटर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म बिच इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एक्टोप्लाज्म जो होता है वो आउटर पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं बिच इज़ क्लियर जो कि क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है उसके आउट ये जो आउटर साइटोप्लाज्म है एक्टोप्लाज्म, इसमें कोई भी ऑर्गेनल या कोई भी वैक्यूल्स वगैरह नहीं होते हैं ये बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है नंबर टू एंडोप्लाज़म एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म इज द इनर विस्कॉस ट्रांसलूसेंट एंड ग्रैनुलर ट्रांसपेरेंट एंडोप्लाज्म जो होता है वो इनर होता है यानी कि वो एक्टोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है जो कि विस्कॉस होता है गाढ़ा ट्रांसलूसेंट एंड ग्रैनुलर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट होता है और ग्रैन्युलर ट्रांसपेरेंट यानी कि उसके अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिसमें एंडोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स होते हैं जिसकी वजह है से थोड़ा ग्रेगा वो कौन से ऑर्गेनल्स हैं मैनी फूड वेक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइज़ बहुत से फूड वेक्यूल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज के कॉन्टेक्टाइल वेक्यूल्स एंडोप्लाजिक रेटिकुलम और माइटाकॉन्ड्रिया ये कुछ ऑर्गेनल्स होती हैं जो अमीबा में पाई जाती हैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस स्फेरिकल इन शेप एंड प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्म इन सेंटर न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल होता है शेप में और ये अमीबा के एंडोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में सेंटर में प्रेजेंट होता है फंक्शन इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ बॉडी न्यूक्लियस जो है वो बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है तो ये थे अमीबा के तीन पार्ट्स साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस लाइफ फंक्शंस ऑफ अमीबा अब हम अमीबा के लाइफ फंक्शंस देखते हैं कि अमीबा कैसे एक्सक्रीट करता है कैसे रिप्रोड्यूस करता है कैसे लोकोमोट होता है देयर आर फॉलोइंग लाइफ फंक्शंस ऑफ अमीबा यहाँ पर कुछ अमीबा के लाइफ फंक्शंस बताए गए हैं नंबर वन लोकोमोशन लोकोमोशन यानी कि वो कैसे मूव करता है अमीबा मूव्स बाय प्रोड्यूसिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया अमीबा जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रोड्यूस करता है जिसे सूडोपोडिया कहते हैं फिर जब वो प्रोड्यूस होती रहती हैं तो क्या होता है अमीबा ऐसे फिर मूव करता है पहले एक फिंगर निकलती है फिर दूसरी फिर ऐसे अमीबा की पूरी बॉडी मूव करती है नंबर टू न्यूट्रिशन अमीबा हैज़ नो माउथ द सूडोपोडिया आर यूज टू कैप्चर फूड पार्टिकल्स विच आर देन हेल्ड इन फूड वेक्यूअल्स वेयर इट इज़ डाइजेस्टेड अमीबा के पास कोई माउथ नहीं होता इसकी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं सूडोपोडिया वो इन्हें यूज़ करते हुए फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कैप्चर करते हैं और फिर वो जो फ़ूड के पार्टिकल्स होते हैं वो अमीबा की बॉडी में फूड वेक्यूल्स की फॉर्म में एंटर होते हैं और फिर वहीं पर वो डाइजेस्ट हो जाते हैं तो ये था अमीबा का न्यूट्रिशन का प्रोसेस अमीबा में जो सूलो की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं उसके जरिए फूड के पार्टिकल्स को कैप्चर करता है और फिर वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो फूड वेक्योल्स की फॉर्म में अमीबा की बॉडी में एंटर होते हैं और फिर वहीं पर डाइजेस्ट हो जाते हैं रिस्पायरेशन अमीबा रिस्पायर्स बाई एक्सचेंजिंग द गैसेस विद द सराउंडिंग वाटर थ्रू इट्स सरफेस अमीबा जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करते हुए रिस्पायर करता है कैसे जो उसकी बॉडी के साथ जो वाटर होता है उसके थ्रू वो रिस्पायर गैसेस एक्सचेंज करता है वाटर जो है वो एच टू ओ का फॉर्मूला होता है यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो उससे फिर वो गैसेस का एक्सचेंज करके ऐसे अमीबा रिस्पायर करता है अपनी बॉडी के सरफेस के थ्रू एक्सक्रीशन एक्सेस वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जब बॉडी में ज़्यादा पानी भर जाता है अमीबा की तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो उस वाटर को रिमूव करते हैं बॉडी से तो ऐसे अमीबा एक्सक्रीट करता है रिप्रोडक्शन अमीबा जनरली रिप्रोड्यूस एस ए सैक्जली अमीबा जो है वो ए सक्चुअली रिप्रोड्यूस करता है यानी कि जैसे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती रिप्रोड्यूस करने के लिए यह अकेला ही अपनी खुद की कॉपी या फिर रिप्रोड्यूस कर सकता है तो ये था अमीबा के लाइफ फंक्शंस थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो अल्लाह हाफिज